नमस्कार साथियों, काफी रात हो चुकी है, पर क्या करें, न्यूज ही ऐसी थी कि सोचा कि आपको जल्द से जल्द बता दूं। पहली न्यूज ये है कि कुछ सब्जेक्ट के लिए केवल कोर्ट केस के कैंडिडेट्स के लिए डेट एक्सटेंड की जा चुकी है, 25 फरवरी तक किया जा चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ खोज रहे हैं उसे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की अपनी वेबसाइट पर, तो नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको यहाँ जाना होगा, एमपी ऑनलाइन पे। यहाँ देख लीजिए साथियों, ये जो एमपी ऑनलाइन लिमिटेड वाली साइट है, इस पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, देखिए सहायक प्राध्यापक का बहुत सारी परीक्षाओं में, रसायन का अभी नहीं खुला है, कुछ सब्जेक्ट के खुले हैं, कुछ सब्जेक्ट के अभी नहीं खुले हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। चाहिए तो ये था कि एमपीपीएससी को एक साथ सभी को खोल देना चाहिए था, उनके पास तो बस क्लिक करना है वेबसाइट्स पे जा करके, पर कुछ लग रहा है प्रॉब्लम रही होगी, यही कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए, वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी, वैज्ञानिक अधिकारी समय कोई मतलब नहीं है यहाँ ये। हाँ, सहायक प्राध्यापक सैन्य विज्ञान नहीं खुला, रसायन के लिए भी अभी डेट चेंज नहीं हुई है, ये सब चल रहा है। नृत्य के लिए भी नहीं हुआ है, अर्थशास्त्र के लिए भी नहीं है, जीव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री के लिए भी नहीं है, पर्यावरण के लिए भी नहीं है। हाँ यहाँ देखिए साथियों, भूगोल के लिए, यहाँ आपको बता दें भूगोल के लिए 25 तारीख हो गई है, भूगोल के लिए 25 तारीख हो गया है साथियों। ठीक, आगे फिर भूगर्भ शास्त्र के लिए नहीं है, 2 मिनट समय लगेगा, लेकिन सबको स्क्रॉल करके देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो नीचे जिनका सब्जेक्ट आएगा, इसलिए धैर्य रखें प्लीज। प्राध्यापक ये विधि यानी कि लॉ के लिए भी नहीं चेंज हुआ है, जबकि लॉ में तो कोर्ट केस के कैंडिडेट बहुत सारे हैं, उनको खोल देना चाहिए था, बट नहीं खोला है, कुछ लग रहा है अब टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। आइए देख लेते हैं नीचे, मराठी नहीं खुला, सहायक प्राध्यापक संगीत नहीं, संगीत वाद्य नहीं, संगीत गायन नहीं, चित्रकला नहीं, दर्शन शास्त्र नहीं, भौतिक शास्त्र में भी नहीं, जबकि भौतिक शास्त्र में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, खुल जाना चाहिए था, अब तक तो खुल जाएगा। पता नहीं क्या कर रही है पीएससी, हालांकि खुलना चाहिए था। मनोविज्ञान में भी नहीं खुला, सहायक प्राध्यापक संस्कृत नहीं खुला, जबकि संस्कृत में तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं अपने गेस्ट फैकल्टी। केमिस्ट्री में नहीं खुला, संस्कृत व्याकरण में भी नहीं खुला, ये संस्कृत साहित्य प्राच्य में नहीं खुला, समाज शास्त्र में, हाँ समाज शास्त्र में साथियों खुल चुका है, ये समाज शास्त्र में खुल चुका है, 25 फरवरी हो चुकी है। तो अब तक 2 सब्जेक्ट मिल गए हैं हमें, सांख्यिकी नहीं, उर्दू नहीं, वेद नहीं, प्राणी शास्त्र, प्राणी शास्त्र में खुल चुका है साथियों, तीसरा सब्जेक्ट। अभी तक हमें 3 सब्जेक्ट प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें खुल चुका है। आगे देख लेते हैं, राज्य वन सेवा नहीं, वन सेवा से कोई, ग्रंथपाल, ग्रंथपाल का अभी भी 22 फरवरी दिखा रहा है, अगर क्लिक करेंगे तो वो वहां पे दिखा देगा डेट इज ओवर। आइए फिर से वापस चलते हैं, ग्रंथपाल हो गया, ग्रंथपाल नहीं, क्रीड़ा अधिकारी में भी डेट अभी नहीं चेंज किया गया है, एक्सटेंड नहीं किया है, चेंज नहीं, एक्सटेंड नहीं किया गया है, गणित में भी नहीं हुआ है अभी। हाँ ये हो गया, हिंदी में हो गया है, यानी कि ये चौथा सब्जेक्ट हिंदी, 4 सब्जेक्ट हो गया, हिंदी चौथा है, ठीक है, चौथा सब्जेक्ट हिंदी है, इसमें चेंज हुआ है। इतिहास, हाँ इतिहास में भी चेंज हो गया, 5वां सब्जेक्ट, इतिहास में भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है साथियों, इतिहास में। गृह विज्ञान में भी बहुत सारे कैंडिडेट गृह विज्ञान में भी हैं, जिनको कोर्ट केस के हैं, फिर भी उनकी डेट नहीं चेंज की गई है, चेंज करना है इसे भी। अंग्रेजी बताइए, बहुत सारा होगा, ये तो 20 तारीख तक था, 20 तारीख तक था, सॉरी 22 तारीख तक था ये। अब वाणिज्य में देखिए, वाणिज्य में भी नहीं चेंज हुआ है, जबकि वाणिज्य में बहुत सारा, इवन बॉटनी में भी, वनस्पति शास्त्र में भी, तो इस तरह से करीब करीब 5-6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अभी खुला है, और अभी 5-6 ऐसे बचे हुए हैं जिनमें खुलना बाकी है। तो अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज, प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा चांसेस हैं कि किसी भी तरह से परीक्षा करा ली जाए, ठीक। हालांकि
एमपीपीएससी के पास इतना रिसोर्सेज है, वो चाहते लोग तो कुछ भी एक साथ सर सभी को खोल सकते थे, सबको खोल देते, सभी लोग एग्जाम फॉर्म भर देते, एग्जाम ले लेते। बट पीएससी की महिमा पीएससी ही जाने, अपना काम है मेहनत करना, पढ़ाई करना। आप लोग पढ़ाई करिए, इन 5 सब्जेक्ट के जो लोग कैंडिडेट्स हैं उनको विश यू ऑल द बेस्ट, वो जल्दी से फॉर्म भरें और अपनी पढ़ाई में फिर से लग जाएं, ठीक है। और बस यही न्यूज़ देनी थी कि कुछ सब्जेक्ट के लिए, लगभग 5 सब्जेक्ट के लिए बदल दी गई है। सब्जेक्ट की जो डेट है वो क्या हो गई है, 25 फरवरी, 25 फरवरी हो गई है। लेकिन अभी भी एग्जाम डेट क्या है साथियों, एग्जाम डेट क्या है, 3 मार्च है, ठीक है। एग्जाम डेट अभी भी 3 मार्च ही है, इसलिए फोकस करना है अपनी स्टडीज पे। थैंक्स, गुड नाइट।